good to have you. Congratulations. Super to you for also. Us. Absolutely. Yes, I do. It's going to be a good night. I hope so. Yeah. Absolutely. Fingers crossed. For me, it's been an interesting past few months. I've had a lot of different kind of releases. I will try. इसे ज़्यादा कैसे चिल्लाऊँ? मैं सोच रही हूँ. आ रहा है अच्छा. अरे शाद्रा. So yeah, this few months have been really interesting for me because I had all different kind of projects coming out. I think कहीं ना कहीं Hotstar के साथ जो relationship bubbly bouncer से शुरू हुई थी. It's kind of coming almost like a circle with Akhri Sach. इतने अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला इन कुछ महीनों में एंड सब रिलीज हुए हैं. यू नो बी इट जी करदा और ब्ला स्टोरीज और द सॉन्ग कावा लया. लॉट ऑफ लव हैज कम माई वे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स. आई एम जस्ट होपिंग कि Akhri Sach को भी वही प्यार मिले एंड मेरे लिए बहुत ही एक अलग कैरेक्टर है. आई हैव रियली इन्जॉयड प्लेइंग इट. बहुत ही इंटेंस सीरीज है ये. एंड डेफिनेटली जो लोग ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे, बहुत क्यूरियस होंगे इस किस्म के एक सब्जेक्ट को लेके. सो आई थिंक उनकी क्यूरोसिटी के लिए ये शो बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा. आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप. आई हैव लव्ड वॉचिंग यू नो एनी काइंड ऑफ क्राइम सीरीज और एनी काइंड ऑफ you know investigative drama. So I think the genre itself is very it always rakes curiosity. So I think this is and for long format is the best. I think it's the best genre for long format. So I really hope people enjoy Akhri Sach. Yes, congratulations to our entire country just being the Chandrayaan landing on the moon is just such a huge achievement and matter of so much pride to each and every Indian, and just being it's just a very very special day for all of us. Yes sir, aap hi center. Thank you. Aajo sir. Aajo. Vikas, come on. Ha, aaiye kuch together.
ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो और बहुत ही इंट्रीगिंग लग रहा है, थ्रिल से भरपूर लग रहा है, तो मेरे को मन है देखने का जल्दी से जल्दी। जी तो मैं भी जानना चाहता हूँ शो के साथ ही इसका सच क्या है, तो देखूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। I met you a long time ago in Chandigarh. How? For Bubble Song. Remember you guys were shooting in the farmhouse? I had come to see, say hi to you guys. So thank you for coming. Thank you so much. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Kuch puchna hai? Haan ji. Did you watch the trailer? Yeah. How do you like it? I to love it. I love Tamanna Bhatia. She is looking superb, gorgeous. Tamanna ka kirdaar kaisa laga? Unka har kirdaar, wo jo bhi karti hai, bahut hi zyada acha lagta hai. She is spectacular. Aapka koi upcoming project hai? Haan, hamare Bajao aa rahi hai web series. To pehle hum jiske liye aaye hain uske liye baat kar lete hain. Jayenge. जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि इसको कैसे क्रिएट किया गया है। एंड ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर बहुत ही मतलब इट गेम ही चिल्स, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट दे। देखते हैं, नो नो, थैंक यू। हम भी आ गए, थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे। Thank you.
फरा जी अभी थोड़ा इधर आइए, सर सर आइए साथ में, साथ में सर, सर आइए आइए एक बार साथ में दोनों। थैंक यू। तुमने तो कुछ बोल लेते हैं। हाँ सामने सर, अरे भाई तो आगे आप पीछे आए, थोड़ा पीछे है ना भाई, थोड़ा हम लोग अरे मनोज हल्का में हो गया। अरे तुम हो ही क्यों वहाँ पे, हम लोग भी आगे जाएंगे, वही करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। पर मैम इधर कर देना वीडियो के लिए, हाँ यहाँ पे जब वो लोग नहीं कर रहे थे क्या करें। मैम इधर वीडियो के लिए जी सर, हाँ सिलाई का हम लोग आगे जाएंगे, बाइट कर ले डाले, घूम डाले हाँ घूम डाल के हाँ तेरा भी डाल दे, तेरा भी डाल दे। जो बहुत कैपेबल लड़कियां हैं, वो पहले कपिल का शो प्रोड्यूस करती थी, उन्होंने ये शो प्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियसली वी हैव कम टू सपोर्ट देम, थैंक यू। हाँ रेडी तो बोलूं, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बोथ दीज गर्ल्स आर लाइक फारा टू मी, दे आर लाइक एब्सोल्यूट सिस्टर्स टू मी,
This is their first show on OTT, which is a non-fiction, and I wish them all the best. And they're very successful people, both of them. They have done lots and lots of badi badi cheeze unhone television mein ki itni young age par, itni young dikhti nahi hai, lekin hai young, dono. और मुझे ऐसा लगता है अभी OTT पे ये लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे तो आई एम जस्ट हियर एज अ ब्रदर टू सपोर्ट देम पार्क करने गया शायद कर या इट्स अ ट्रू स्टोरी इनफैक्ट ये बनाने से पहले वी ऑल न्यू अबाउट दिस स्टोरी हम सब ने सुना हुआ है सब ये बहुत फेमस हुआ था काफ़ी ऐसा स्टोरी था जो सबको दहला दिया था इट वॉज सच अ मिस्ट्री अब वो पर्दे पे आ रहा है तो कई बार लगता है कि जब आप सुनते हैं कि किसी की फिल्म बन रही है या वेब सीरीज़ बन रही है तो आपको लगता है कि जो सस्पेंस आपके दिमाग में इतने सालों से रहा था वो स्टोरी पढ़कर शायद उसका कंक्लूजन मिले शायद आपको पता चले कि उसमें क्या हुआ था सो दैट एक्साइटमेंट इज़ ऑलवेज देयर जब भी किसी असलियत पर कोई ट्रू स्टोरी पर बनती है फिल्म या वेब सीरीज़ इट्स ऑलवेज एक्साइटमेंट आपको जाना ही है उसको देखने के लिए एंड स्पेशली वेन इट्स अबाउट योर फ्रेंड जब आपके फ्रेंड्स बनाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होती यू फील सो प्राउड ऑफ देम आई ऑलवेज न्यू दीज टू गर्ल्स दे आर वेरी टैलेंटेड बट अब इतना अच्छा उन्होंने बनाया है सो आई कांट वेट टू वॉच इट थैंक यू अपकमिंग वेब शो बहुत 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 अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कुछ नेगेटिव में कर रहा हूँ समथिंग विच इज़ लाइक यू नो आई थिंक इस तरह का कैरेक्टर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है सो आई एम इंट्रीग्ड एंड क्यूरियस कि क्या होने वाला है ऑडियंस क्या रिएक्ट करने वाली है नहीं मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे कोई डार्क कैरेक्टर देता है मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अभी तक तो ऐसा हुआ है कि जब भी कोई कुछ भी डार्क किया है तो लोगों को बहुत पसंद आया या फिल्म मेकर्स को बहुत पसंद आया तो आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दीज पार्ट्स सो या मतलब मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसा लगे येस आई मीन आई हैव टू से दैट आई कुड वर्क वेरी लेस विथ हर बिकॉज हमारे टाइम लाइन्स अलग हैं शो में बट हैविंग सेड दैट आई थिंक वो बहुत ही अच्छे इंसान है और एक जो हमने सीन किया था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था उनकी आँखें ज़्यादा बोल रही थी और आई थिंक एक्टर्स को वैसे ही हम देखते हैं कि जिनकी आँखें ज़्यादा बोलती हैं हाँ क्योंकि मतलब एक अच्छे परिवार की सेटिंग में जब लोग खुश हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो कि मतलब यूजुअली एक परिवार के बीच में होती है एक जॉइंट फैमिली जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे बहुत सारे शहरों में और गांव में अभी भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और रहते हुए भी एक दूसरे का दुख ना समझना या एक दूसरे की चिंता को ना समझ पाना और किसी कुछ दुर्घटना हो जाना उस फैमिली में तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आसपास से कनेक्ट कर पाते हैं तो इसलिए डिस्टर्बिंग था
थैंक यू सो मच। Honestly speaking, I just told Preeti, Niti, I call them little girls. I'm super excited, and this is just the start. I really want to see them, you know, touching the sky and giving their best. Always they have given their best, and I'm with them. Just want to celebrate this moment because this is just the start. I love you both of you. God bless. Thank you. हाय हाँ ये पूरा इधर मैं लेके आऊँ थैंक यू हाँ भाई बताइए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द रीजंस स्पेशली ऑल्सो बिकॉज अभिषेक बैनर्जी इज अ रियल क्लोज फ्रेंड We have shared screen in Mirzapur and I'm really happy for him. It looks like a very different sort of a play for him and I wish the whole team all the best. Thank you. कौन पूछ रहा है Guys, just give us 2 minutes, ना पाइप्स का तो हम देंगे हाँ, just 2 minutes. Yeah, I'm actually very excited, and I'm excited, but I'll be very honest. The reason is Preeti and Niti. We've worked together years ago, like when I started working in Bombay, they were with me. So to see them now putting this show together is what is exciting me. Not to take away from anything from what the show is, that of course is exciting, but my primary reason is here for Preeti and Niti. Have you seen the trailer of... Yes, I have. Preeti made sure I see it. She sent it to me. I think trailer anyway is such a sort of a short unit. It just gives you a little flavor of what the show is. जी सो वो वैसे भी मेरे लिए एक वीकनेस है आई लव ट्रू स्टोरीज आई लव स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स तो जब ट्रेलर मैंने देखा यू नो आई फेल्ट ओ सॉरी आई एम रॉन्ग विद यू जब ट्रेलर मैंने देखा तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी इंट्रीग क्योंकि ट्रू स्टोरीज आर माय वीकनेस आई लव देम Preeti knows that, Niti knows that. I've always been excited and trying to recreate true stories. So, इसलिए I'm very excited to see the show. मेरी तो अभी एक ही फिल्म चल रही है चंदू चैंपियन दैट एवरीबडी नोज इट कार्तिक आर्यन उसका पहला शेड्यूल लंदन में हमने अभी ख़त्म किया एंड सितंबर से फिर से एक और शेड्यूल शुरू कर रहे हैं थैंक यू I have obviously and I'm very excited and I'm really looking forward for the first episode of this like jo screening yahan pe jo hone wali hai so yeah let's just hope for the best I'm sure it's going to turn out to be it was great yaar it was great it was amazing like I've already said it was great and bahut maza aaya kaam karne mein kaam to mujhe karne mein hamesha maza aata hi hai so yeah how was it working with Amanda it was great yaar it was great working with her obviously it's always great working with her ye dekho bhai ye paint hua hai abhi shayad कोई नहीं सो इट्स ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद हर ये काला टीका लग गया हमारे इस पर नजर नहीं लगेगी अब किसी भी चीज़ का चैलेंजिंग जो होती है चीज़ वो अच्छी होती है ना वो अच्छी चीज़ होती है जो भी चैलेंजिंग होता है अगर कुछ करना तो दैट्स गुड इफ इट्स समथिंग चैलेंजेस यू नो यू ग्रो सो इट्स गुड इट वॉज गुड मज़ा आया थैंक यू
अरे आपसे फिर मिल लिया मैं आज, वेरी नाइस, वंडरफुल टू सी यू अगेन. मैं कितना एक्साइटेड हूँ यार, मैं सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे यारों के लिए, जो नीति प्रीति इनका लिटिल फ्रॉड. अच्छा यहाँ देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे दोस्तों के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि हम सारे मिलके बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट फ्रूटफुल एंड अ वंडरफुल शो दैट्स कम आउट. सो आई कांट बी मोर हैप्पियर एंड आई प्रे टू पप्पा कि बहुत ऐसे 1, 2, 4, 10 ऐसे चलते जाएँ फॉर नीति प्रीति एंड लिटिल फ्रॉडो. आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. अरे ऑफकोर्स दोस्त, बढ़िया. और मैं ट्रेलर छोड़ो, मैंने ट्रेलर के पीछे की पूरी मेहनत देखी है, इस शो की नहीं, बट इसके अलावा मैं जानता हूँ हाउ हार्ड वर्किंग दीज टू वंडरफुल लेडीज आर. सो यस, आई रियली प्रे कि बस बढ़िया और बढ़िया ही हो यार इनके साथ. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू. So happy for you, congratulations. How happy you made it. इधर आओ, यू हैव टू गिव अस. मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया इसको. एंड कंग्रेचुलेशन टू द इंटायर टीम एंड स्पेशली टू मिस्टर निखिल लंगा. आई थिंक कांट हियर यू. आई कम टू द बाइट नाउ. ऑडियो आ रहा है? I'm telling him he's not.
जी आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे सिस्टर्स का शो है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आखिर से आज के लिए क्योंकि मुझे पता है कि प्रीति और नीति ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है शो के लिए द रिसर्च देन द शूट प्लानिंग एंड एवरीथिंग सो इट्स अ ग्रेट शो एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट मुझे Yeah, obviously it is one of the biggest cases in the country. Mysterious hai, thoda spooky hai. So I'm glad that they took up this kind of story and kyunki isme kafi zyada awareness bhi phail sakti hai for people. So everyone must watch Aakhri Sach. Thank you. माइक रख दी है सब ऐसे ला I watched the trailer. It's my friends who made it. Nikhil is a very dear friend from long time, and so is Tamanna. And then Abhishek is there. The director is a friend of mine for long. So I'm all waiting and excited to see the whole project. I think it's going to be very, very nice. And I think Tamanna has done a great job. The trailer looks amazing. I mean, I've seen a documentary on this, but this drama was never there. And this is the first time I think drama has come up. I'm really looking forward that, you know, the drama comes out as real as it is. So I think that is what is expected. Okay. I mean, I'm very happy that India has gone to India is on, no, India is on moon and so are we, and being Neetu Chandra, I think, you know, Chandrayaan is landed. Thank you. Why are you so late? I'm so sorry, I've also only come to say hi to you. Hi, right, Mahu. Right. Bye, Abhi. Senta. Bye, Jadeko, na, right. Bye. Bye.
बुलाना मुझे क्यों मैं नहीं आ रही दीदी बुला रही How nice you look, right? I love the look. Yeah? Yeah, I love it. Thank you, man. कुछ आ रहे हो तुम थक के आ गए ये जा तो पवित्र जगह ही नहीं थी हाँ एक हाथ बोलना Yes, yes, let's go. So, Hello. How much exciting जी जी मैंने ट्रेलर देखा है मेरे दोस्तों की सीरीज़ है सो आई रियली रियली लव द ट्रेलर एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर नीति एंड प्रीति सो दे ऑलवेज हैव माय प्रेयर एंड माय बेस्ट विशेस इन द नो दैट सो एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्राइम्स दैट हैव हैपेंड एंड आई फॉलो करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेमाइस है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द एंटायर सीरीज अलग अलग रूप में देखा है नो नो शी इज सच अ टेरिफिक एक्टर यार वो तो कहने की बात ही नहीं है एंड जस्ट आई एम श्योर इट विल शी विल हिट इट आउट ऑफ द पार्क एज यू हैव सेड यू आप करंट अफेयर्स को बहुत ये करते तो आज इंडिया में एक हिस्ट्री दर्ज हो गया है चंद्रयान 3 फाइनली इंडिया में नहीं है वो दुनिया में दर्ज हो गया वी आर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑन द मून एंड आई थिंक उसे ये हमारे लिए हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है आई थिंक यू नो हमारे तो अध्यात्म से लेकर के निजी तौर पर जो चंद्रमा के साथ जो रिश्ता है हमारा आज वो एक 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 यू नो और ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी और ज़्यादा इंटिमेसी आ गई उस इक्वेशन में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और दुनिया में डंका बच गया इंडिया के नाम का यू नो सो इट्स वेरी प्राउड हाँ एक चल रहा है अभी जियो सिनेमा पे देख रहे थैंक यू डियर थैंक यू सबसे इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोनोलॉग का डूड आई एम इंप्रेस्ड या आई सो इट आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक चेक इट आउट ऑफ कोर्स शो इट्स अ फर्दर केस ऑफ व्हिच इट इज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक बट व्हाट मेक्स यू नो हाउ मच